जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है, फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन टू। दोस्तों आज इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जींस पैंट का कटिंग से लेके एकदम लास्ट सिलाई तक, काज बटक तक कौन सा कारीगर को कितना पैसा हम चलाता है, वो आज इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो शेयर करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करें, कौन सा कारीगर को कितना पैसा मैं चलाता हूं एक जींस पैंट का पूरा सिलाई कंप्लीट करने में, अलग अलग कारीगर से होता है, अलग अलग इंपोर्टेंट मशीन में होता है। तो ये पूरा की पूरा आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, हर एक के पास जाके मैं आपको दिखाऊंगा भाई कौन सा काम कैसा होता है और इसका प्राइस कितना चलाता है, यानी कि वो कारीगर को कितना पैसा मिलता है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करें, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये आपका सामने एक जींस पैंट है और इस जींस पैंट का एक पीस का जो कटिंग है वो कटिंग ये टेबल पे हो रहा है आपका सामने, देख सकता है। एक पीस कटिंग करने में मास्टर को मिलता है 4 रुपया, ठीक है। तो पहला जो खर्चा है एक जींस पैंट बनाने में 4 रुपया, और ये जो रोल आता है कपड़ा जो आता है, तो जो रिक्शा भर के आता है, जो टेम्पू में भर के आता है, उसको 1 मीटर का कीमत हमाली देना पड़ता है 55 पैसा, और ये कटिंग का 4 रुपया। तो आप, मैं बताते जाऊंगा, आप एक पेन लीजिए और एक बुक लीजिए, आप लिखते जाइए, तो एक पीस का सिलाई का कॉस्ट कितना पड़ता है आपको अंदाजा लग जाएगा। सो गाइस, एक जींस पैंट का ये जो राउंड पॉकेट बनाता है कारीगर, और चेन फ्लाई बनाता है, और इसका जो पीछे का जो 2 पॉकेट है, ये 2 पॉकेट बनाता है कारीगर लोग, इसका कीमत देना पड़ता है 11 रुपया। तो कारीगर का आगे का और पीछे का जो पॉकेट वगैरह है वो बनाने में 11 रुपया इसका देना पड़ता है। तो एक भी कारीगर पगार पे नहीं है, सब आंग पे है, यानी कि जितना माल बनाएगा, जितना पैंट बनाएगा, जितना पैंट का बैक फंड बनाएगा उतना इनको पैसा मिलेगा। फिर नेक्स्ट काम आता है मुंडा सिलाई। मुंडा सिलाई क्या होता है थोड़ा पैंट में दिखा देता हूँ दोस्तों। मुंडा सिलाई इसको बोलता है, ये जो योक जॉइंट होता है और बच्ची जॉइंट होता है, और इसका जो अंदर का जो इनसाइड होता है, ये इनसाइड, ये सिलाई को बोलता है मुंडा सिलाई, और इस मुंडा का जो कारीगर है। सो गाइस, ये मुंडा हो रहा है और ये एक पीस मुंडा मारने में इसको मिलता है कितना मिलता है कारीगर, 3 रुपया मिलता है, ठीक है। तो मुंडा किधर किधर लगता है, मेरा पास पीस पड़ा है, ये मैं हर पीस में मैं दिखा दूंगा, और कहाँ पे कौन सा मशीन पे होता है वो भी दिखा दूंगा, आप खाली लिखते जाओ एक पीस में कितना खर्चा है। सो गाइस, ये है 5 थ्रेड का मशीन, और ये 5 थ्रेड का सिलाई ये साइड से होता है पैंट का, ठीक है। और इसका जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये भी अलग एक इम्पोर्टेंट मशीन में लगता है, ये आपका सामने है, ये बेल्ट लगा रहा है। तो बेल्ट लगाने का और जो 5 थ्रेड लगता है ये मशीन में, अभी फिलहाल इसमें काम नहीं है, तो ये दोनों मिला के मिलता है, ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का हर एक पीस को मिलता है 2 रुपया। उसका बाद जब बेल लगाने से पहला जैसा 5 थ्रेड हो जाता है, तो ये डबल निडिल का मशीन है, इसका दोनों साइड, जैसा कि ये आप देख सकता है ये पीस में, ये है इसका साइड सिलाई, ठीक है, बेल्ट से लेके ये आता है जो साइड सिलाई, ये दोनों साइड सिलाई मारता है, तो इनको मिलता है 2 रुपया। उसका बाद ये जो मोहरी है, ये जो बॉटम है, इसको सिलाई पैक किया जाता है, और इसका जो बेल्ट है, बेल्ट का ये बाजू और ये बाजू, इसको पैक किया जाता है। तो पैक करने के लिए ये कारीगर पैक कर रहा है, इन लोगों को 3 रुपया करके हर एक पीस को देना पड़ता है, ये पैक हो रहा है, ये बॉटम पैक हो रहा है, और ये मशीन में बेल्ट का मुंह पैक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मोरी पैक करने में और बेल्ट का मुंह पैक करने में मिलता है इन लोगों को 3 रुपया हर एक पीस में, यानी कि पगार पे नहीं है, सब आंग पे है, जितना पीस काम करेगा उतना पीस का पैसा मिलेगा। सो गाइस, उसका बाद ये जो काज है, ये काज होता है, काज इधर पगार पे है, मशीन जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ही मशीन है, तो काज जो मारता है इसको मार्केट से मरवाएगा, तो ये काज और ये बाल्टक मिलके 4 रुपया लेता है। तो काज जो मार रहा है ये पगार पे है, इसका पगार है 8000, और ये पूरा दिन खाली काज ही मारता है। जो बाल्टक मार रहा है ये लोग पगार पे नहीं है, ये लोग आंग पे है, ये लोग को एक पीस का कीमत देना पड़ता है 1 रुपया 70 पैसा, ठीक है, और काज का आप 1 रुपया पकड़ लो।
सो गाइस ये है पूरा सेटअप, और पूरा सेटअप में जो लोग काम करता है सब अलग 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 सिस्टम से काम करता है। अलग अलग जो जींस का पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट अलग अलग कारीगर करता है सब। जैसा बाल्टेक हुआ, बैक फेंट हुआ, बैक फ्रंट हुआ, काज हुआ, या बेल फाइव थ्रेड हुआ, सब अलग अलग कारीगर से एक पीस को पूरा कंप्लीट किया जाता है। सो गाइस और थोड़ा खर्चा है जो अंदर का खर्चा है वो मैंने नहीं बताया, तो उसका खर्चा जो है वो है, जैसा ये कारखाना भाड़े पे है तो इसका जो कारखाना का भाड़ा है वो भी पीस पे इंक्लूड होता है, और लाइट बिल और इसमें जितना हेल्पर लगता है, हेल्पर का पगार सब इस पीस का अंदर इंक्लूड होके एक पीस का पूरा कॉस्ट पड़ता है। तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मेरा चैनल पे ऑलरेडी है, उसका थंबनेल का नाम है 81 रुपीस में जींस पैंट। वो वीडियो आप देखेगा तो पूरा की पूरा टोटल आपको मालूम पड़ जाएगा एक पीस में टोटल खर्चा कितना पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कारीगर का जो खर्चा होता है ना वो कितना होता है वो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों का तो शेयर कर दीजिए। आपको जींस पैंट के बारे में ऐसा ही छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग करेगा तो मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब भी मूड होता है तभी भी मैं वीडियो बना देता हूँ। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए तो जब भी मैं वीडियो डालू अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना और अपने को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।